बैक। मैं हूँ आजम फारूकी। आपकी स्क्रीन पे जो बिजनेस फेलियर, बिल्डिंग फेलियर नज़र आ रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं कि ये बनता कैसे है और हमने इसको बनाया कैसे है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने A4 साइज़ का एक, आप साइज़ आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं जो रखना हो, लेकिन मैंने A4 साइज़ का एक जो है बॉक्स लिया है। यहाँ से A4 साइज़ कर दिया। साइज़ में जाने के बाद साइजिंग जो पेज साइज होता है यहाँ पर, A4 साइज़ करने के बाद, और मैं क्या करूँगा, इसी साइज़ का मुझे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से सिर्फ टूल बॉक्स में, यहाँ पे आ रहा है रेक्टेंगल टूल, इस पर रेगुलरली माउस को 2 बार प्रेस कर देंगे, माउस को लगातार 2 बार दबा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का एक ऑटोमेटिक एक बॉक्स उसी साइज़ का बनकर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा एक बॉक्स बनकर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से इलिप्स टूल में, ठीक। इलिप्स में आने के बाद कंट्रोल दबाकर इसको ड्रैग करेंगे, यानी कंट्रोल दबा के इसको खींचेंगे, इसका एक बॉक्स बनाएंगे कंट्रोल दबा के, ठीक है। इसको और हल्का छोटा कर देते हैं, इतना साइज है ये, ठीक है, देख लेते हैं अंदर से। अब जो क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट का एक और कॉपी करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है, इस तरह इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं मामले से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टूल बॉक्स में ही, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्री हैंड टूल आ रहा है, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आ रहा है फ्री हैंड टूल, जिसका शॉर्टकट कमाना है F5, ठीक है, F5 शॉर्टकट कमाना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और तेज़ काम करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोलरों का हर शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। F5 है, हम क्लिक करेंगे इस पर, अब यहाँ पे रखेंगे और कंट्रोल दबा के इसको होल्ड करके रखना है और यहाँ पे क्लिक कर देना, तो बिल्कुल लाइन जो है बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है। आप क्या करना है, इस लाइन का एक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सबसे पहले ये वाला लाइन की हमें कर देना लेफ्ट, ठीक, लेफ्ट। अब इस लाइन का एक कॉपी करना है ई प्लस से, ठीक है, प्लस का जो बटन होता है कीबोर्ड में उससे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कीबोर्ड के एरो से इसको हमें कर देना राइट की तरफ, ऐसे, कितना चाहिए, इतना काफ़ी है, ज़्यादा हो रहा है तो कम कर देना इसको, ठीक, इतना। अब क्या करेंगे, अब इस वाले को लाइन जो, इसको जो हमें क्या करना है, हमें इस जो बाहर का वाला जो ऑब्जेक्ट है, बाहर वाला जो बॉक्स है, उसके शिफ्ट दबाकर उस पर क्लिक करेंगे और कर देंगे उसके लेफ्ट, ठीक। अब इस तीनों को जो है हल्का सा और हाइट में यूँ खींचना, बड़ा कर देना, ठीक है। अब कर देना है तीनों को ग्रुप, यानी कंट्रोल जी। फिर क्या करना है, इसको कॉपी करना है कीबोर्ड के प्लस से, फिर इस वाले बाहर वाले ऑब्जेक्ट के कर देना है राइट शिफ्ट दबाकर, फिर इसको यहाँ से कर देना है मिरर, ठीक है, हॉरिजेंटली करना है इसको, ठीक। मिरर करने के बाद आप देख रहे हैं इसी जगह पे आ गया। हम क्या करेंगे, अब सबको इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, यानी ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद यहाँ जो रोटेशन आ रहा है, ठीक है ना, एंगल ऑफ रोटेशन, इस पर जाएंगे हम, इस पर कर देंगे 40 डिग्री पर कर देंगे इसको रोटेशन। मैं यहाँ से कर देना है इसको 35, ओके, इंटर। उसके बाद कर देंगे यहाँ से हॉरिजेंटली मिरर, ठीक है, ये सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको करना है जूम। जूम करने के बाद टूल बॉक्स में देखिए, यहाँ सबसे ऊपर आ रहा है ये स्मार्ट फिल, ठीक। स्मार्ट फिल को हम इस टूल को लेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्मार्ट लेक दबा देना है, ठीक है। उसको क्या करना है कि यहाँ पे टाइम ले रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, फिर हमें एक यहाँ पे दबा करना है और एक इसमें करना है, सॉरी, इसको हमें पहले यहाँ पे करते हैं, ठीक। उसको क्या करना है, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, ओके, इस वाले इंस्पिरेशन पार्ट पे, ठीक है, फिर इस पार्ट पे क्लिक करना है, ओके। अब जो हमें इसमें करना है कलर, पहले इसमें हम कर देते हैं 20% कर देते हैं इसे ब्लैक, और इसको पहले यहाँ पे इसको भी हमें कलर करना है, ठीक है। इसमें जाएंगे स्मार्ट फील में, फिर और यहाँ पे भी हमें कलर कर देना है, ओके। उसके बाद जो यहाँ पे हमें फिल कर देना है, ठीक है, हम इसे फिल कर रहे हैं, ये ज़्यादा आ गया यहाँ पे, तो हम इसको हम क्या करेंगे, इस वाले जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है इससे इसको कर देंगे यहाँ से ट्रिम, ठीक है। ट्रिम करने के बाद इसको जूम करते हैं, जूम करने के बाद देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे डॉट डॉट आ गए, इसको हमें कर देना है डिलीट, ठीक है। ओके, अब जो इसमें हमें करना है पहले कलर, पहले हम क्या करना है, हमें इसको करना है डिलीट बाहर वाले को, और इस अंदर वाले को भी कर देना है डिलीट, ठीक है, अभी अंदर वाले को रहने देते हैं, ठीक है। इस अब क्या करना है, इसमें हमें कलर करना है, कलर करने क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है, इसको करते हैं रहा डिलीट, इसको पहले, इसको और इसको साथ में कलर कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसको कलर कर देते हैं, ठीक है, फिर इसको अंदर वाले को भी सेम कलर कर देते हैं, ठीक है, ये कलर हो गया। इसको और इसको और इसको तीनों को, यहाँ पे क्या हुआ था, मैं स्मार्ट फील जो किया था ना, स्मार्ट फील तो ये इसके साथ हो गया, तो फिर मैंने इसको दोबारा स्मार्ट फील से इसको इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, ये साथ में आ गया था, तो हमने इसको दोबारा स्मार्ट फील से क्लिक कर दिया, उस पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे फिर स्मार्ट फिल से इसमें फिल कर देंगे, ठीक है।
हमें इस तीनों को सेलेक्ट करना है और इसको भी कर देना है इसमें सेम कलर, ठीक है। इसको करना है ग्रुप कंट्रोल जी, और इसको भी ग्रुप कर देते हैं सबको मिलाकर के साथ, कंट्रोल जी ग्रुप, ठीक। अब हमें क्या करना है, अभी जो आउटलाइन है सबको कर देना डिलीट, ठीक है। जितने भी आउटलाइन है सबको हमें कर देना डिलीट, इसको 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 इसको, ठीक है, ये सबको एक एक करके कर देना है डिलीट, ओके। अब हमें और सेलेक्ट करना है, इस तरह और सेलेक्ट कर लेना है, आउटलाइन कर देना है सबका नन, ठीक है। अब हमें जो इसके अंदर जो हमें इसके अंदर कलर करना है, ये कलर, इस कलर का परसेंटेज है, मतलब ये कलर मतलब येलो कलर, जिस कलर के अंदर 20% मिक्स है जो हल्का सा ऑरेंज की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो येलो कलर ये हल्का 10-20% मैजेंटा कलर, इसको डार्क किया गया, ठीक है। इसको ये कलर कर देना है यहाँ पे। अब हमें इसके अंदर एक पिक्चर लगाना है, तो हमें क्या करना है, फिर जाना है यहाँ से इस टूल में, जाने के बाद इसको कंट्रोल दबा के ड्रैग करना है, ठीक, ड्रैग करना है उसको, इसके सेंटर कर देना है। अब इसको हमें इतना गैप रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे, कि यहाँ पे जितना गैप है ये वाला गैप जो है वो नज़र उसके बराबर ही ये भी नज़र आए, ठीक है। इसको हमें बड़ा करना है, ये ठीक है। इसको इसके पहले इसको और इसको कर देते हैं ग्रुप कंट्रोल जी, ठीक। इसको इसके सेंटर इक्वल कर देते हैं, ठीक, बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये पिक्चर में डाउनलोड कर रखा है, इस पर माउस राइट प्रेस करेंगे, प्रेस करने का पावर क्लिप इंसाइड आ रहा है, इस क्लिक कर देंगे। अब हम जाएंगे एडिट पावर क्लिप यहाँ से, ठीक है। एडिट जाने के बाद ये हल्का सा नीचे का दिखाना ज़्यादा है, ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं जो दिखा रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका कलर जो है हमें ब्लू कर देना है आउटलाइन इसका भी, और यहाँ से कर देना है 1.5 कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। और इसमें ये डार्क ब्लू आएगा, ये कलर जो है, ये कलर मैंने बना रखा है, इसका परसेंटेज है सियान है 100%, 30% है मेजेंटा और 70% ब्लैक, ठीक, ये कलर आ गया। अब यहाँ पर हमें ये सेम कलर चाहिए, और इसको जो हमें इसी कलर से कर देना है वेल, ठीक, ओके दोस्त। यहाँ तक तो ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया, इस सबको पकड़ के कर देते हैं वेल, सॉरी क्या पता नहीं, इसको इससे करते हैं पहले वेल, ठीक है, और इसको इससे वेल कर देते हैं, और इसको इससे वेल कर देते, ठीक। अब इधर से जो है इसको इससे वेल कर देते हैं, और इसको इससे वेल कर देते हैं, अब इसको कर देते हैं ग्रुप कंट्रोल जी, इसको भी कंट्रोल जी कर देते हैं, ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब हमें जो इसके अंदर लगाना टेक्स्ट, ये तो मैंने लोगो बना रखा है 10 का, ये ऐसे ही मैंने नए से कोई लिया था और उसको ट्रेस कर दिया, ठीक है। ये लोगो जो आप अपने लगाना चाहेंगे वो लोगो यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हल्का छोटा कर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर नाउ फ़ोन नंबर वगैरह ये यहाँ लगा दिया, टाइप करेक्ट रखा है, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता, ये टाइप कर तो आप कर लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ जो मैंने कई वीडियो में बना कर डाल रखा है, तो आप मेरे जाएंगे तो मेरे चैनल पे वहाँ बहुत सारी वीडियो मिलेंगे जिसमें ये सारा बहुत इस तरीके का चीज़ यूज़ किया गया मैंने किया है। अभी कहते हैं कि ये 20% ऑफ का मैंने लोगों में डाल रखा है, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे वो बता देते हैं, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सो करने के लिए फिर हम जाएंगे लिस्ट टूल में, कंट्रोल दबा कर ड्रैग करेंगे ऐसे, इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका एक और अंदर की तरफ ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो हमें फिल कर देना है वाइट, वाइट फिल करने का ऑटोमेटिक वो ब्लेड कटिंग की तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमें फिर ये डार्क येलो कर सकते हैं, ये येलो में 20% मैजेंटा मिक्स कर रखा है वो लगा देंगे। अब दोनों को हमें कर देना है ग्रुप यानी कंट्रोल जी, ये हो गया। अब इसके अंदर हमें 20% ऑफ टाइप करना पड़ेगा, टाइप कर देते हैं, टेक्स्ट टू में जाएंगे 20% इधर एंड ऑफ, जो टाइप करना डबल एफ तो टाइप नहीं हो रहा, तो इसका हमें चेंज करना पड़ेगा फॉन्ट जो, इसका हम चेंज कर देते हैं पहले फॉन्ट, फॉन्ट सुना मेरा लैपटॉप, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले जाए, और अगर आपको पसंद आया तो आप उसमें इसको शेयर भी कर सकते हैं, और कुछ लगे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम क्या करना है, इसको देख रहे हैं मैंने इसको जो टाइप किया है, ये टाइप जो हो गया हमारा स्मॉल में हो गया, हमें इसको करना है कैपिटल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे टेक्स्ट टूल में, टेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है चेंज केस, ठीक है। हम यहाँ पे कर देंगे इसको अपर केस, ठीक है। अब इसका जो है हमें शेप टूल्स, इसका जो गैप है हल्का कम कर देना है शेप टूल्स, ठीक है। ऐसे जाएंगे यहाँ से शेप टूल्स के बाद ऊपर कर देंगे इसको, सेंटर ऑलरेडी इसके सेंटर इक्वल कर देते हैं, ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। अब ये मैं ये जो ये वी बिल्ड योर फ्यूचर जो मैंने ये टाइप कर रखा है इसको भी हम रख देते हैं, क्योंकि अगर हम टाइप करने बैठ जाते हैं तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होता है और वीडियो काफ़ी लंबी बढ़ जाती है, इस वजह से मैं इसको टाइप करना नहीं चाहता।
ठीक है। और यही सेम चीज़ है जो है मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ बताने के बना रहा हूँ, इसमें मैटर जो है कुछ भी सही नहीं होता है, जो हकीकत बात है। कुछ भी टाइप करके हमें लगा देते हैं या नेट से इसको कॉपी कर लेते हैं, मेरे ख्याल से हो गया। दोस्तों ये फेलियर जो है तैयार हो चुका है। प्लीज़ अगर आपको हमारा ये काम, हमारा ये डिज़ाइन पसंद आता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।